गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। मैं ललित भर जियासी द्वारसा अल्मोड़ा से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 5 का, जिसका टॉपिक है प्राथमिक क्रियाएं। तो आज हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज के जो हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे, प्राथमिक क्रियाएँ क्या होती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम आज बात करेंगे भोजन संग्रहण एवं आखेत के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं पर। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनसे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, आर्थिक क्रियाएँ वे क्रियाएँ होती हैं जिनसे मनुष्य को आय यानी इनकम की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीयक क्रियाएँ, तृतीयक क्रियाएँ और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत हम मुख्यतः जो प्राथमिक क्रियाएँ होती हैं वो होती हैं, पशुपालन होता है, आखेट होता है, आखेट का मतलब है शिकार करना, भोजन संग्रहण है, कृषि है, खनन है, वानिकी है, मछली पालना है आदि, ये प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे आखेट एवं भोजन संग्रहण। आखेट एवं भोजन संग्रहण पहला हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अंतर्गत आखेट एवं भोजन संग्रहण, जो आदिकालीन मानव था वह प्रकृति पर निर्भर रहता था और अपने समीप के वातावरण पर ही निर्भर रहता था। ठीक है, इस समीप के वातावरण पर निर्वाह करते हुए दो कार्यों को मुख्यतः करता था। नंबर एक वह आखेट करता था, आखेट का मतलब शिकार करता था, और नंबर दो वह जंगल से कंदमूल और अन्य सामग्री को इकट्ठा करता था। ध्यान से समझना कि जो हम बात कर रहे हैं आखेट एवं भोजन संग्रहण, जो आदिकालीन मानव था वह नंबर एक आखेट पर निर्भर था। ठीक है, आखेट पर यानी शिकार करता था जंगली जानवरों का, और नंबर दो हमने बात करा कि जो जंगल में जो कंदमूल फल होते हैं और जो अन्य जो सामग्री होती थी उनको इकट्ठा करता था। ठीक है, तो इसके जो क्षेत्र हमें जो देखने को मिलते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका में कनाडा वाला क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन और चिली वाला क्षेत्र, अफ्रीका अगर हम बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र, और एशिया की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो क्षेत्र है वो हमें आखेट एवं भोजन संग्रहण क्षेत्र देखने को मिलते हैं। आप ध्यान से देखिए, हम आपको मैप के द्वारा भी दिखा रहे हैं, आपको मैप भी दिखाया जा रहा है, तो आप उसमें देखिए, समझते हैं। अगला जो बिंदु है वो है पशुपालन। तो पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन को भौगोलिक और तकनीकी आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पशुपालन को भौगोलिक एवं तकनीकी आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है चलवासी पशुपालन और नंबर दो है व्यापारिक पशुपालन। तो सबसे पहले समझते हैं चलवासी पशुपालन क्या होता है। चलवासी पशुपालन जो है एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें जो पशुपालक होते थे वो अपने पशुओं पर निर्भर रहते थे, चाहे वो आय हो, चाहे वो उनके औजार हो, चाहे वो उनके कपड़े हो, वो सब अपने पशुओं पर ही निर्भर रहते थे, और इनके द्वारा जो भी आय की प्राप्ति होती थी उनका वह उपभोग करते थे। चरवासी पशुपालन में क्या होता था, उनके जो पशु होते थे उनके खाने के लिए और जो मौसम के अनुसार स्थान को बदलते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। आधुनिक रूप में भी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशुओं को मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे आपको मुख्यतः हम अभी उत्तराखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो भोटिया जनजाति हैं वह इस प्रकार का पशुपालन करने को हमें देखने को मिलता है, भोटिया जनजाति जो है। उसके अलावा जो बकर खाल जनजाति है और जो गुज्जर जो जनजाति है, इस प्रकार के जो पशुपालन है चलवासी पशुपालन उनको देखने को मिलते हैं। मुख्यतः जो चलवासी पशुपालन वाले जो क्षेत्र हैं उत्तरी अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, अटलांटिक तट हो गया, उसके अलावा मेडागास्कर का जो भाग है, देखो अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर वाला भाग है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मंगोलिया वाला भाग है,
मध्य चीन वाला भाग में हमें ये देखने को मिलता है, और अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है हमें चलवासी पशुपचारण वाला क्षेत्र देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं वाणिज्य जो पशुधन पालन है वो क्या है। वाणिज्य पशुपालन है वो मुख्यतः चलवासी पशुचारण से जो है। अलग कहने का तात्पर्य है तो यहाँ पर जो पशुपालक होते हैं वो एक पूंजी प्रधान एक पशुपालन यह देखने को मिलता है। ठीक है, पूंजी प्रधान पशुपालन है यह व्यापारिक पशुपालन। इसमें मुख्यतः बड़े बड़े फार्म होते हैं और एक विशिष्ट प्रकार का यहाँ पर को पशुपालन किया जाता है और मुख्यतः किसी एक प्रकार के पशु इसमें पाले जाते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप जैसे देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो दुग्ध सामग्री है, चाहे बटर है, चाहे घी है, चाहे पनीर है, उसके अलावा डिब्बा बंद जो मांस है वो सब यहीं से हमें प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, व्यापारिक जो पशुपालन है, व्यापारिक पशुपालन वाले जो क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं वो मुख्यतः कहाँ देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैप भी दिखाया जा रहा है, अब उसमें भी फोकस करें। मैं जो बता रहा हूँ आपको, मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर को हमें अर्जेंटीना वाला जो क्षेत्र है वहाँ यह पशुपालन देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हमें यह पशु जो पालन है ये देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आपने प्राथमिक क्रियाओं के दो भागों को समझा होगा। नंबर एक हमने बात करी थी भोजन भोजन संग्रहण एवं आखेट के बारे में, और नंबर दो हमने बात करी थी पशुपालन के बारे में। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के द्वारा आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस अध्याय का जो दूसरा पार्ट है मैं जल्द ही आपके सम्मुख लेके आऊँगा। धन्यवाद।